नमस्कार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्मा कोर्स टू पॉइंट ओ पे तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है जो कि आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं आपकी विंटर एग्जाम हो चाहे समर एग्जाम हो आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं उन्हीं चैप्टर्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ये जो चैप्टर हम देखने वाले हैं इनका जो वेटेज है जो मार्किंग का वेटेज अगर हम देखें तो इन पर ज़्यादा है तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना आप पढ़ रहे हो उसके बाद आपका नहीं पढ़ के होता तो आप कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्किप कर देते हो तो आप ऐसे कीजिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो पहले कीजिए बाद में जो कम वेटेज वाले चैप्टर हैं उनको स्किप कर दीजिए क्योंकि वन या फिर टू मार्क्स के उनके क्वेश्चन आते हैं तो वो स्किप कर दीजिए आप तो कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा पर आप ज़्यादा वेटेज वाले जो चैप्टर्स है वो स्किप कर रहे हो तो इसकी वजह से आपके मार्किंग पे इफेक्ट पड़ सकता है तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो भी ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर है जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो आपको सबसे पहले करने हैं बाद में जो कम कम वेटेज वाले हैं उसके बाद लास्ट में आपको वो चैप्टर्स करने हैं तो उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है आपकी फार्मास्यूटिक्स इस सब्जेक्ट की तो उसके बारे में देखते है, हैं चलिए स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर वन हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ़ फ़ार्मेसी इन इंडिया तो हिस्ट्री ऑफ़ प्रोफेशन ऑफ़ फार्मेसी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी तो हिस्ट्री ऑफ़ फार्मेसी ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि इसमें से फाइव मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं साथ में तीन मार्क के भी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकते हैं तीन मार्क के क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं तो ये चैप्टर जो है ये चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है ये चैप्टर आप आपको पढ़ना है ध्यान से पढ़ना है इसकी हिस्ट्री पढ़नी है और जो फार्माकोपिया है आई पी जो भी आपको दिए गए हैं और जो साइलेंट फीचर्स है इंडियन फार्माकोपिया के ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है यहाँ पर इस चैप्टर में से फाइव मार्क्स के भी क्वेश्चन बन सकते हैं थ्री मार्क्स के भी क्वेश्चन बन सकते हैं और एक मार्क का भी क्वेश्चन बन सकता है तो ये टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है देन नेक्स्ट टाइम चैप्टर नंबर टू पैकेजिंग मटेरियल्स तो पैकेजिंग मटेरियल्स में से फाइव मार्क्स के लिए आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ग्लास के यूज ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है ये ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है पर फाइव मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर तीन मार्क के भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं तो ये चैप्टर भी आपको स्किप नहीं करना है नेक्स्ट है चैप्टर नंबर फार्मास्यूटिकल एड्स तो फार्मास्यूटिकल एड्स हम इसका अगर वेटेज देखें तो इसका वेटेज कम है इसका वेटेज ज्यादा नहीं है इस चैप्टर के ज्यादा मार्किंग के लिए क्वेश्चन नहीं पूछे जाते ज्यादा से ज्यादा तीन मार्क्स के लिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा या फिर वन मार्क के लिए तो ये जो चैप्टर है ये आप अगर लास्ट में भी करेंगे तो भी चल जाएगा नेक्स्ट चैप्टर नंबर यूनिट यूनिट ऑपरेशन मोस्ट फार्मास्यूटिक्स में सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है यूनिट ऑपरेशन ये जो चैप्टर है ये आपको सबसे पहले करना है ये चैप्टर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इस चैप्टर को आपको डेफिनेटली करना ही है इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है इसमें से फाइव मार्क्स के थ्री मार्क्स से वन मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो यूनिट ऑपरेशन में जो भी इंक्लूड होता है साइज रिडक्शन साइज सेपरेशन मिक्सिंग और जो भी फिल्ट्रेशन है ड्राइंग एक्सट्रैक्शन ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है यहाँ से कुछ भी स्किप नहीं करना है तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है बाद में हम ये भी देखेंगे कि इसमें ज्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। ये सारी चीजें भी हम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि यूनिट ऑपरेशन ये इम्पॉर्टेंट है तो ये आपको सबसे पहले इसकी पढ़ाई करनी है इसमें से जो टॉपिक है वो स्किप नहीं करने हैं ये चैप्टर आपको करना है देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर फाइव तो चैप्टर नंबर फाइव में हमें अलग अलग तरीके के डोजेस फॉर्म दिए हैं टैबलेट कैप्सूल लिक्विड प्रिपरेशन टॉपिकल प्रिपरेशन तो ये सारी चीजें दी है तो इन पर अलग अलग वेटेज दिया गया है इन पर अलग अलग तरीके से वेटेज दिया चैप्टर नंबर में ही आते है पर इन पर स्पेसिफिक टैबलेट के ऊपर एक अलग वेटेज बनता है कैप्सूल के ऊपर एक अलग वेटेज बनता है मार्किंग का तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर पढ़ाई करनी है तो चैप्टर फाइव में सबसे पहले अगर हम टैबलेट्स देखें तो टैबलेट इंपॉर्टेंट है टैबलेट से रिलेटेड क्वेश्चन

ओरल प्रिपरेशन ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं ये आपको करने ही हैं इन पर ज़्यादा वेटेज रहता है टॉपिकल प्रिपरेशन हो गया ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है देन नेक्स्ट आते हैं नेजल प्रिपरेशन एंड ईयर प्रिपरेशन अब इनके ऊपर ज़्यादा वेटेज नहीं है इनके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो पूछे नहीं जाते तो उतना कुछ इन पर ध्यान आप नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा इन पर हार्डली वन या फिर टू मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो यहाँ पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है ये टॉपिक आप लास्ट में भी करोगे तो भी चल जाएगा देन नेक्स्ट है पाउडर्स एंड ग्रैनुल्स पाउडर्स एंड ग्रैनुल्स पे भी हार्डली थ्री मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक नहीं है स्टेराइल फार्मुलेशन स्टेराइल फार्मुलेशन एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है इन पर फाइव मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं फाइव मार्क्स के थ्री मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं तो ये टॉपिक आपको स्किप नहीं करनी अब

चैप्टर नंबर सिक्स अगर हम देखें यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर लेआउट सेक्शन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है मेडिसिन बनाने का जो प्लांट होता है जो कंपनीज होती है उनके रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है तो ये भी इंपॉर्टेंट है. है इससे भी फाइव मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं थ्री मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है देन लास्ट चैप्टर इज द नावल ड्रग डिलीवरी सिस्टम नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है इससे भी फाइव मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी आपको स्किप नहीं करना है तो अगर फार्मास्यूटिक्स में देखें तो हार्डली टू या फिर थ्री ऐसे चैप्टर से जिनका वेटेज कम है बाकी सब जो है वो ज़्यादा वेटेज वाले हैं उनके ऊपर फाइव मार्क्स से मार्क्स क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको पेपर में पाँच मार्क वाले तीन मार्क वाले ही क्वेश्चन आते हैं तो अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर चैप्टर्स देखें तो आपका जो चैप्टर नंबर फोर है यूनिट ऑपरेशन वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सबसे ज्यादा वेटेज वाला है तो सबसे पहले आपको वो चैप्टर करना है देन टैबलेट्स टैबलेट्स के बारे में आपको पढ़ना है टैबलेट्स टॉपिकल प्रिपरेशन और जो चैप्टर नंबर वन है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी उस पर भी ज्यादा वेटेज दिया गया है और साथ में जो स्टेरल फॉर्मूलेशन है स्टेर फॉर्मूलेशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो ये जो कुछ टॉपिक है ज्यादा वेटेज वाले इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं तो ये जो टॉपिक्स है ये आपको स्किप नहीं करना है जो कम वेटेज वाले हैं वन या फिर टू या फिर थ्री मार्क्स के ऐसे वेटेज वाले हैं तो वो आप स्किप कर दोगे तो भी चल जाएगा बाकी ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है ये आपको करने ही हैं देन बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनके जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थैंक यू